जेपी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। 2018-21 पार्ट थ्री एग्जाम फॉर्म शुरू। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ एग्जाम फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में वेरीफाई कैसे करवाना है, डॉक्यूमेंट शुल्क कहाँ जमा करना है, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, परीक्षा फाइनली आप लोगों का कब जारी होगा, डेट परीक्षा का डेट कब जारी होगा, आज की इस वीडियो में सभी जानकारी आपको मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लो। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है, रुकिए, यदि अगर आप इस वीडियो को लैपटॉप या कंप्यूटर से देख रहे हो तो आप लोग मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लो, और मोबाइल फोन से भी अगर आप मोबाइल फोन से देख रहे हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप मोबाइल फोन या कंप्यूटर या लैपटॉप से आसानी से एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप लोगों को सबसे पहले गूगल ओपन कर देना है और सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है jpvadmission.org, लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे लिखकर सर्च करोगे आपके सामने नया विंडो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। दोस्तों जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन जारी होता है सबसे पहले हमारे चैनल मौर्या गुरु एकेडमी पर डाला जाता है। तो चैनल पर यदि न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो कि आने वाली सभी जुड़ी जानकारी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हो, दोस्तों आप लोग 18-21 के लगातार स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि सर हमारा एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं कि 18-21 पार्ट थ्री में सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन अभी नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है, कुछ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी का अभी एडमिशन नहीं हुआ है। लगातार स्टूडेंट्स सवाल कर रहे हैं। यह सिर्फ यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, कुछ अधिकारियों की भी गलती है, क्योंकि देखिए कुछ कॉलेज में अभी तक एडमिशन स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। कुछ कॉलेज वालों का भी गलती है जिसको लेकर बहुत सारी लापरवाही की गई है। कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है, अब लगातार स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर जिनका एडमिशन हो चुका है वो सवाल लगातार कर रहे हैं कि सर एग्जाम फॉर्म एग्जैक्टली टाइम कब से भरा जाएगा। दोस्तों और जिन छात्रों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है वो बेचारे करें क्या, उनका तो एक ही सवाल है कि सर एडमिशन कब से होगा, एग्जाम फॉर्म के बारे में तो सोच भी नहीं रहे, पहले तो उनका सवाल है कि एडमिशन कब से होगा। अब यहां पर दोस्तों मैं बता दूं कि जिन छात्रों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है 3 जनवरी से आप लोगों का एडमिशन शुरू हो जाएगा सभी कॉलेज में। जिन छात्रों का देखिए 3 जनवरी से एडमिशन आप लोगों का शुरू हो जाएगा, जिन जिन कॉलेज में आप लोगों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है उन कॉलेज में एडमिशन 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब 3 जनवरी से आप लोगों का एडमिशन आखिर क्यों शुरू होगा, उससे पहले क्यों नहीं हो सकता है। दोस्तों यहां पर हम जान लेते हैं, बिहार सरकार ने वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर 2 जनवरी तक ऑल यूनिवर्सिटी, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी को क्लोज कर दिया है, यानी 2 जनवरी तक सभी यूनिवर्सिटी बंद है, ठीक है, जिसमें से जेपी विश्वविद्यालय भी 2 जनवरी तक बंद है। जेपी विश्वविद्यालय 3 जनवरी को आप लोगों का खुलेगा, ठीक है। दोस्तों विश्वविद्यालय भी बंद है, साथ ही साथ कॉलेज भी बंद है 2 जनवरी तक। अब 3 जनवरी को आप लोगों का विश्वविद्यालय और कॉलेज ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद 3 जनवरी से ही आप लोगों का एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा जिन कॉलेज में अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहां पर सवाल एग्जाम फॉर्म को लेकर है कि एग्जाम फॉर्म कब से और कितनी तारीख से भरा जाएगा और कितने बजे से शुरू होगा, जान लेते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, इससे पहले यार अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। आने वाली सभी जुड़ी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है जयप्रकाश विश्वविद्यालय से रिलेटेड। दोस्तों तो चलिए जान लेते हैं एग्जाम फॉर्म आप लोगों का कब से भरा जाएगा। एग्जाम फॉर्म को लेकर लगातार स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर एग्जाम फॉर्म एग्जैक्टली हमारा कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों एग्जाम फॉर्म आप लोगों का जो है जनवरी के लास्ट वीक में शुरू होगा। जनवरी के लास्ट वीक कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का 27 जनवरी से एग्जाम फॉर्म एग्जैक्टली आप लोगों का शुरू हो जाएगा। 27 जनवरी से एग्जाम फॉर्म आप लोगों का शुरू हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है। 27 जनवरी से एग्जाम फॉर्म शुरू होगा और 1 सप्ताह का सिर्फ मौका मिलेगा एग्जाम फॉर्म भरे जाने के लिए, ठीक है। सभी विद्यार्थी को 1 सप्ताह का मौका मिलेगा जिसमें 1 सप्ताह यानी 7 दिन के अंदर अंदर में आपको एग्जाम फॉर्म किसी भी तरह से ऑनलाइन भरकर कॉलेज में ले जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देना है। यार 7 दिन तो बहुत ज्यादा है, मात्र 5 मिनट में एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स भर लेते हैं। भरने के बाद और ले जाकर कॉलेज में डॉक्यूमेंट सिर्फ वेरीफाई करवाना होता है और शुल्क जो है जमा करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत आम है, बहुत बड़ी बात नहीं है, 7 दिन तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। अब यहां पर जान लेते हैं
एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एग्जैक्टली आप लोगों का एडमिट कार्ड और परीक्षा कब से लिया जाएगा? दोस्तों आपके अनुमान के मुताबिक बता दूं कि एग्जाम फॉर्म भरे जाने के बाद उसके 20 दिन के अंदर अंदर में एडमिट कार्ड तैयार कर दिया जाता है, 20 दिन के अंदर में, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद 3 या 4 दिन के अंदर अंदर में परीक्षा भी ले लिया जाता है। टोटल 1 महीने लगेंगे आपको एडमिट कार्ड जारी होने में और परीक्षा लेने में, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, आप सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में बताएं और ध्यान रखें किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो इसी चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब करें और इसी नीचे मैसेज करके बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।